नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बाप ने मां बेटियों को जिंदा जलाया। उत्तर प्रदेश के सिसवर गांव में रहने वाली महिला को दो बेटियों के साथ जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। पुष्पा देवी ऐसा मृत महिला का नाम है। महिला के रिश्तेदारों ने हत्या के लिए ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। सर, लड़का के पास ये दिक्कत हो रहा था कि लड़का नहीं हो रहा है, दूठे लड़की है, हम दूसरा शादी करेंगे। जब से शादी हो रहा था हुआ है तब से धास मार रहे थे। उनका सास घर में मार रही थी, ननद मार रही थी, और जो एगो भगनी थे सब मार रही थी, और उनका वो पहुना मार रहे थे जो मेरा नंदोसी है, कि लड़का मेरा नहीं हो रहा है, इसको जब से हम नहीं रखेंगे दूसरे शादी करेंगे। जब से शादी हुई तब से धास मार रहे थे। कितना साल हुआ? 25 साल शादी हो गया, ननद के मेरा हो गया। विदाई भी नहीं कर रहे थे। हम अपना पति को भेजे विदाई करने के लिए, सास के भेजे, सास भी मेरा वहाँ 2 महीना रह करके देखी। सास भी बेलना से मार रही थी, जब चिपा रही तब से मार रही थी, छोटा पकड़ के मार रही थी, ये काम नहीं कर रही है, वो नहीं काम कर रही है, छोटा है, नाटा है, भूटन है, ऐसे वैसे हम अपना लामा पुत्र दूसर खोजेंगे। लड़का नहीं होने के कारण से लड़की दो लड़की हम नहीं रखेंगे, दूसरे शादी करेंगे, जेल काटेंगे तो काटेंगे 4 साल 5 साल। हाँ, बोल रहे थे। हाँ जी, ये रापटगंज के निवासी हैं संतोष सोनी, पिता स्वर्गीय मोहन सोनी, रापटगंज वार्ड नंबर 13 न्यू कॉलोनी थाना सोनभद्र जिला सोनभद्र। ये अपने बहन ममता देवी की शादी 20 वर्ष पूर्व किए थे, जैसा ये बता रहे हैं। शादी के बाद इसकी बहन अपने ससुराल में बस रही थी और दो लड़की भी जन्म ली है। लड़का के लिए ओझाई बुनी करता था लड़का वाले, और विदाई विदाई नहीं करते। नेरुल वासियों को मिला दिवाली का गिफ्ट। नेरुल खार कोपर रेलवे का लोकार्पण। नई मुंबई में नेरुल उरण रेलवे मार्ग के पहले चरण का उद्घाटन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हाथों हुआ। यह रेलवे सोमवार को लोगों के सेवा में उपलब्ध होने वाली है। रेलवे ने नेरुल वासियों को ये विशेष दिवाली गिफ्ट दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर के महिला डॉक्टर ने मनाई भैया दूज। गोंदिया जिले के नक्सलग्रस्त भाग में पुलिस बांधव के साथ भैया दूज मनाकर नागपुर के महिला डॉक्टर ने अनोखा आदर्श निर्माण किया। देवरी तालुका के बोंडे सशस्त्र पुलिस दूर क्षेत्र में नागपुर के डॉक्टर बहन की तरफ से आरती उतारकर अनोखी भैया दूज मनाई गई। पुलिस के रूप में मुझे नए भाई मिले, ऐसा आनंद डॉक्टर महिला ने व्यक्त किया है। आनंद म्हणजे खूप जास्त, कारण हे सर्व जे आहेत आपले रक्षा करण्यासाठी सर्व सण सोडून इथे उपस्थित असतात, ते आपल्या बहिणीकडे किंवा नातेवाईकांकडे जाऊ शकत नाही, आणि आज मला हे सौभाग्य मिळालं की मी यांना आज ओवाळू शकले। मी रक्षाबंधनाचा पण प्रोग्रामला इथे उपस्थित होते, मेडिकल कॅम्प मी इथे घेतलेला त्यावेळेस। तर आजचे म्हणजे हे वर्ष माझ्यासाठी खूप चांगलं गेलं की मला एवढे सारे भाऊ एका ठिकाणी मिळाले आणि मी त्यांना ओवाळू शकले आणि त्यांचा दिवाळी सण साजरा करू शकले। हिंदू संस्कृतीप्रमाणे जर रक्षाबंधनाला जेवढं महत्त्व आहे, बहिणीकडून भावाला ओवाळलं जातं, तसंच दिवाळीमध्ये पण भाऊबीजेला महत्त्व आहे। भाऊबीजेला सुद्धा बहिणीकडून ओवाळण्याची आमची आशा राहते, परंतु कर्तव्यामुळे घरी जाता नाही आलं। परंतु आज या ठिकाणी आमच्या डॉक्टर मॅडम, डॉक्टर आंबेडकर मॅडम यांनी आम्हाला इथं बहीण बोलून आमच्या इथे येऊन आमच्या सहित सर्व कर्मचाऱ्यांना भाऊबीजेची ओवाळणी दिली, त्याबद्दल आम्हाला दिवाळीचा सण साजरा करताना, त्यामुळे त्यांचे खूप म्हणजे एक वेगळा आनंद येते दिवाळीचा ह्या प्रोग्रामला साजरा करताना। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।